दोस्तों, पूर्वी लद्दाख में भारत और चीन की सेनाओं के बीच बढ़ते तनाव को देखते हुए भारतीय वायुसेना लगातार अपनी ताकत बढ़ा रही है। वायुसेना ने वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास अपनी सभी प्रमुख केंद्रों पर फ्रंटलाइन लड़ाकू विमानों, हेलीकॉप्टरों तथा परिवहन बेड़े की तैनाती बढ़ा दी है। वायुसेना ने भारत की सैन्य तैयारियों को और मजबूत करने के लिए अग्रिम अड्डों तक भारी सैन्य उपकरणों और हथियार पहुंचाने के लिए C-17 ग्लोब मास्टर 3 परिवहन विमान और C-130J सुपर हर्क्यूलिस के बेड़े को तैनात कर रखा है। इन सब के साथ ही वायुसेना अपने एयर डिफेंस सिस्टम को भी मजबूत कर रही है। पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ जारी तनाव के बीच भारतीय वायुसेना ने स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम आकाश और रूस निर्मित इग्ला मिसाइल का परीक्षण किया। दरअसल मिसाइल लॉन्च करने की ये एक्सरसाइज 23 नवंबर से 2 दिसंबर तक चल रहे नियमित अभ्यास का हिस्सा थी। सतह से हवा में मार करने वाले इन एयर गाइडेड हथियारों की फायरिंग के अभ्यास के गवाह वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर मार्शल HS अरोड़ा भी रहे। इस एक्सरसाइज का मकसद वायुसेना कर्मियों को असली युद्ध जैसी परिस्थितियों जैसा अभ्यास कराना है। एक अधिकारी ने कहा, जब देश लगातार कोरोना महामारी की अभूतपूर्व चुनौती का सामना कर रहा है तो भारतीय वायुसेना मौजूदा सुरक्षा हालात पर नजर बनाए रखने के साथ ही लगातार अपनी परिचालन क्षमता परख रही है। भारत ने चीन के साथ पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चल रहे गतिरोध के बीच दुश्मन के जंगी जहाजों और हेलीकॉप्टरों को दूर रखने के लिए आकाश सिस्टम तैनात किया है। साथ ही इग्ला मिसाइल सिस्टम भी वहां तैनात किया गया है। DRDO ने विकसित किया है आकाश सिस्टम। अमेरिकी पैट्रियट मिसाइल से बेहतर है आकाश। परमाणु हथियार ले जाने की क्षमता रखने वाले आकाश मिसाइल सिस्टम को भारतीय रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी DRDO ने डिजाइन किया है। इसकी हर एक मिसाइल 30 किलोमीटर के दायरे में 19 किलोमीटर की ऊंचाई तक लक्ष्य को भेद सकती है। करीब 4000 किलोमीटर प्रति घंटा की सुपरसोनिक गति वाली आकाश मिसाइल का वजन 720 किलोग्राम और लंबाई 5.8 मीटर है। ये 60 किलोग्राम विस्फोटक ले जा सकती है। इसे स्वदेश निर्मित राजेंद्र रडार से लैस किया गया है। एक मिसाइल डिफेंस सिस्टम में 4 लॉन्चर, 1 राजेंद्र रडार होते हैं और हर लॉन्चर पर 3 आकाश मिसाइल तैनात की जाती हैं। एक लॉन्चर एक समय में 16 लक्ष्य को ट्रैक कर सकता है, यानी 64 लक्ष्यों पर हर समय नजर रहती है, और राजेंद्र रडार के एक इशारे पर एक साथ 12 आकाश मिसाइल अलग अलग लक्ष्य भेदने निकल जाती हैं। पूरी तरह स्वदेशी आकाश मिसाइल सिस्टम हर मौसम के लिहाज से कारगर है। मीडियम रेंज के लिए दुनिया की सबसे बेहतरीन मिसाइलों में शुमार आकाश कम, मध्यम और ऊंचे क्षेत्रों में मारक क्षमता रखती है। न्यूक्लियर क्षमता वाली ये मिसाइल फाइटर जेट, ड्रोन, क्रूज मिसाइलों और एयर टू सर्फेस मिसाइलों समेत बैलिस्टिक मिसाइलों को भी निशाना बना सकती है। आकाश मिसाइल की मारक संभावना करीब 90% है। पहली मिसाइल के लिए जहां ये संभावना 88% है तो दूसरी के लिए 99% हो जाती है। एक और खास बात ये भी है कि आकाश मिसाइल पुख्ता फ्यूल तकनीक, हाईटेक रडार और एक्यूरेसी के मामले में अमेरिकी पैट्रियट मिसाइल से बेहतर है और सस्ती भी। इग्ला मिसाइल से थर थर कांपेगा ड्रैगन। वायुसेना ने आकाश एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम के साथ साथ इग्ला मिसाइल का भी परीक्षण किया है। इग्ला मिसाइल का इस्तेमाल तब होता है जब दुश्मन के लड़ाकू जेट या हेलीकॉप्टर हमारी सीमा या फिर जहां जवान तैनात है उसके करीब आते हैं। इग्ला मिसाइल के जरिए कोई भी जवान कंधे से ही वार कर सकता है, जो कि हेलीकॉप्टर और फाइटर हेलीकॉप्टर को ढेर कर सकती है। इनका इस्तेमाल वायुसेना और थल सेना दोनों ही करती है। भारत की ओर से दुश्मन की हवाई आवाजाही पर नजर रखने के लिए रडार और सतह से लेकर हवाई मिसाइल सिस्टम तक की तैनाती की गई है। साथ ही चीन की गतिविधियों पर निगरानी बढ़ा दी गई है। पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी और पेट्रोलिंग पॉइंट 14 पर भारतीय जवानों ने कई बार देखा है कि चीन के चौपरों ने भारतीय क्षेत्र में आने की कोशिश की है। इन इलाकों में इग्ला चीन को सबक सिखा सकती है। रूस में बने इस घातक एयर डिफेंस सिस्टम को भारत की थल सेना और वायुसेना में बराबर से इस्तेमाल होता है। इनका विशेष प्रयोजन सीमा पर महत्वपूर्ण ऊंचाई पर तैनात होकर दुश्मन के हवाई जहाजों के हवाई क्षेत्र का उल्लंघन करने पर उन्हें मुंहतोड़ जवाब देना है। लद्दाख के पहाड़ी इलाकों में मैदान से अधिक अहम है अलग अलग ऊंचाइयों वाली चोटियां, जहां पर भारतीय सेना ने हमला और हमले का जवाब दोनों के लिए विशेष व्यवस्था की है।
इस तरह चीनी सैनिकों पर नजर रखना भी अधिक आसान हो जाता है। ऐसे में रूसी मूल के इग्ला एयर डिफेंस सिस्टम से लैस भारतीय जवान यहां पूरी मुस्तैदी के साथ तैनात हैं।